हेलो, तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक से बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपको अपना क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना कलेक्शन लेवल है उसको किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो, किस प्रकार से अपना जो कलेक्शन लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना लेवल है 48 लेवल है अपना, और अपना जरूर कमेंट करके बताना कि आपका लेवल कितना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं। जो अपना जो ये जो कलेक्शन लेवल है, बेसिक सा चीज़ ये है कि आपका जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आपका जितने आइटम रहेंगे ना, उनके हिसाब से आपका जो पॉइंट है वहाँ आपको पॉइंट मिलता है, उसी पॉइंट के हिसाब से आपका जो कलेक्शन लेवल है वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे आपका जो कलेक्शन लेवल का जो पॉइंट है, हर एक चीज़ के हिसाब से अलग अलग पॉइंट रहता है। जैसे कि मिथिक्स में अलग रहेगा, लेजेंड में अलग रहेगा, एक्सूट में अलग रहेगा, और बाकी के जो नॉर्मल सा आउटफिट है उसमें आपका कम कम रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास जितने आप इन्वेंटरी में सामान स्टोर करते हो, तो आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ से जो जो आइटम है वो आपको यहाँ पे जो लेवल है वो आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास में M416 है, तो यहाँ से मुझे उसका 99.99 ये मिला है, देख सकते हो यहाँ से ये पॉइंट। और उसके बाद में ये AKM है, उसका 19 मिला हुआ है। ठीक है, और इसका एक और सीधा सा फंडा बताता हूँ मैं। आप इसको जब भी इंक्रीज करो, तो आप जैसे कि यहाँ पे अपने इन्वेंट्री पे आओगे, इन्वेंट्री में आने के बाद में आपको यहाँ से एक ये चीज़ देख, एक टोकन देखने को मिलेगा, सीजन टोकन। ठीक है, आपका सीजन टोकन सभी के पास में रहेगा। तो आप यहाँ से फर्स्ट सीजन है, आपको सिंपल इसमें आना है। आने के बाद में आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं सस्ती वाली, सभी को आपको यहाँ से बाय कर लेना है। अगर आपको यहाँ से जब भी बाय करोगे ना, तो आपसे यहाँ पे बाय करने के बाद में आपका यहाँ से पॉइंट बढ़ेगा। तो आप अपने हिसाब से मान लो आपके पास बहुत सारे एक कॉइन पड़े हैं, तो अपने इस कॉइन से आप यहाँ से सामान है जितने भी आप लोगे, उससे आपका पॉइंट बढ़ेगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपका बढ़ेगा बढ़ेगा हर एक चीज़ से। तो आप यहाँ से जितने भी आपके पास एक कॉइन रहता है, किसी और काम का रहता नहीं है, एजी कॉइन लेने के बाद में बहुत सारा बच जाता है। तो आप यहाँ से एजी कॉइन लेने के बाद में आपका जो ये वाला है कॉइन, इससे आप यहाँ से इन्वेंट्री के लिए सामान ले सकते हो, इससे आपका पॉइंट बढ़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ से जैसे और चीज़ें हैं, जन टोकन तो अपना ले लिया, इसमें आपको यहाँ से बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे क्लास क्रिएट हो गया, आपका जितने भी क्लासिक क्रिएट विलासिक क्रिएट आते हैं उनमें भी जो भी चीज़ें निकलती हैं उन सभी को छोड़िएगा मत, और जो भी क्रिएट आती है उन सभी को खोलना। अगर आपके पास में एक भी चीज़ निकलता है ना, तो उसका भी आपको यहाँ पर पॉइंट बढ़ के मिलता है। तो आप यहाँ से एक भी इसको ना छोड़े, सप्लाई क्रिएट को भी खोले, और आपके पास क्लासिक क्रिएट है इसको भी खोलना जरूर है, कि इसमें आपको हर चीज़ का पॉइंट मिलता है। तो आप यहाँ से अपना खोलते रहिएगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट मिलता रहेगा। तो आपको हर एक चीज़ खोलना है, एक भी चीज़ को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, और अब बाकी का रहे अपना एक चीज़। तो यहाँ से अपना जो अगर आप रॉयल पास लेते हो, तो रॉयल पास में आप जैसे आपने ये रिकलर वाला कपड़े सभी के पास में होंगे, आप जैसे इस रिकलर वाले को आप अगर यहाँ से आपका 1 लेवल ये अपग्रेड होता है, तो आप इसको जब भी आप अपग्रेड करते हो, तो आपको हर अपग्रेड पे कम से कम 4 पॉइंट यहाँ पे मिलता है, 4 पॉइंट आपको मिलता है। उसके पास में जितने भी अपग्रेड वाले जो जितने भी कपड़े हैं जिसको अपग्रेड करना है आपको, आप अपग्रेड करोगे तो आपको यहाँ पे कम से कम आपको 4 पॉइंट बढ़ के मिलता है। तो आप सारे, मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप सारे सारे जितने भी कॉइन हैं, इन सभी को जितने भी कपड़े हैं, इन सभी को कपड़े को अपग्रेड करना, क्योंकि आपके पास में टोकन में पड़ा रहता है, तो इससे आपका जो कॉइन है, सॉरी, जो आपका लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो आप इसको मान लो अगर एक लेवल करोगे तो 4 पॉइंट मिलेगा, 2 पे 8 पॉइंट, 3 पे 12 पॉइंट, तो आपको यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आपके जितने भी कपड़े हैं इनको भी आपको अपग्रेड करना है। उसके बाद में आपकी जितने भी गन हैं, गन जितने भी गन स्किन है, सारे को आपको यहाँ पे अपग्रेड करना है। आप जितना आप इसको अपग्रेड करोगे, जितना भी आप इसको अपग्रेड करोगे, आपको यहाँ पे जो उसका पॉइंट है अलग से देखने को मिलेगा। तो इसको भी जो गन वन है इनको भी आप छोड़ेगा मत, हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे अपग्रेड करना है। आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं आपको इन्वेंटरी को इतना बढ़ा देना है ताकि आपका जो लेवल है ऑटोमेटिक आपका बढ़ता रहे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे आओगे, अपना जो रॉयल पास है, रॉयल पास अगर लेते नहीं हो, तो आपका यहाँ पे देख सकते हो रॉयल पास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो आप यहाँ से रॉयल पास में भी जैसे परचेस करते हो, तो आपको यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उस हर एक चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ को आपको लेना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे सीजन पे ड्रेस देखने को मिलती है, उसका भी कम से कम आपको 8-9 पॉइंट देखने को मिलता है। तो इस ड्रेस को भी ना छोड़े, यहाँ से आपको एक चीज़ लेनी है जो कि आप यहाँ ले सकते हो। हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे, आपको यहाँ से कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ को आपको यहाँ से
लेना ही लेना है आपको। जो पॉइंट है आपको यहाँ पे बढ़ के ही मिलेगा। तो आपको जितने भी चीज़ें हैं हर एक को आपको यहाँ पे बाय करना है, और जितने भी गने वने स्किन स्किन है सब सभी सारे के सारे को आपको अपग्रेड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आपको यहाँ पे एक कुछ रिकॉल टोकन मिलेगा। रिकॉल टोकन पे आप जैसे आओगे आपको यहाँ पे एक ये स्कारल का स्किन देखने को मिल जाएगा, आपको ये भी ले लेना है क्योंकि आपको इससे भी आपका जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप इसको भी ले लेना। आपको मतलब ये कुल मान के चलना है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सारी की सारी चीज़ों को आपको लेना ही लेना है। तब आपका जो लेवल है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, आपका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जितने अगर आपके पास में मिथिक्स आइटम आते हैं जितने भी, मिथिक्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा लेवल मिथिक्स से बढ़ेगा, क्योंकि मिथिक्स का पॉइंट यहाँ पे सीधा आपको बहुत सारा मिलता है, 8-9 पॉइंट के ऊपर मिलता है मिथिक्स के ऊपर। किसी में सभी में अलग अलग होता है, मिथिक्स में भी किसी में 8 मिलता है, किसी में 12, किसी में 15, तो ऐसा करके मिलता है। तो आप हर एक चीज़ को छोड़े नहीं, सारी की सारी चीज़ों को बाय करें, ठीक है। तो अपना वीडियो यहीं तक था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।